नाजरीन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार समोसे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 कप्स मैदा, 2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2/3 कप ऑयल यानी कि 16 टेबलस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको करेंगे मिक्स लो स्पीड पे पहले। और साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसका हमने बनाना है हार्ड डो तो इसलिए पानी साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें। तो ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट गूंदने के बाद डो हमारा इस तरह से तैयार है। डो को आपने हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से ये तैयार है। और अब हम इसको डो को किसी गीले दस्तरखान या पेपर टॉवल को गीला करके तो इस तरह से आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे और उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल पोटैटोज़। इनको मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे और जब ये नीम गर्म ही होंगे तो तब हम इनको क्रश कर लेंगे। इस तरह की है कि नीम गर्म जब हों तो इनको क्रश करने में आसानी होती है। तो ये देखिए आलू अभी नीम गर्म है, हम इनकी जो स्किन है वो उतार लेंगे और नीम गर्म ही है तो उस वक्त ही हम इनको क्रश करेंगे हाथ से। और बहुत बारीक इनको क्रश नहीं करना, इस तरह से बस हाथ से ही इस तरह से तोड़ लेना है इनको। तो ये देखिए इस तरह से हमने मैश कर लिया है। बहुत बारीक इसको मैश नहीं करना, इस तरह से देखिए चंक्स इसके नज़र आने चाहिए। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश पेपर, चाट मसाला, ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और ये कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया है, इसको आप हल्का सा क्रश कर लें, ये भी ऐड कर देंगे। और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तरह से थोड़े से ऑयल में मैं डालूंगी थोड़े से मटर और इनको फ्यू सेकंड के लिए पकाना है। और अब आधा मिनट पकाने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी आलू। और इसको भी पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट पकने के बाद स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हम इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें। और जितनी देर में स्टफिंग हमारी ठंडी होगी हम उतनी देर में रोटियाँ तैयार कर लेंगे। तो जितनी देर में हमने स्टफिंग तैयार की है डो हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन 1 घंटा हमने इसको रेस्ट दिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो आप पेड़े छोटे बनाएं। और अब मैं इसकी रोटियाँ बेल लूँगी और बाकी को इस तरह से ढक दें ताकि वो ड्राई ना हों। इस तरह से रोटी मैंने बेल ली है। रोटी कोशिश करें कि आपकी पतली यानी कि बारीक बने। और ये जो है मैंने आटे और पानी को घोल के तो इस तरह से बाइंडिंग के लिए मैंने लिक्विड तैयार कर लिया है। अब हम इसको रोटी को 2 पीसेस में काट लेंगे। और ये जो मैंने ये बनाया हुआ लिक्विड इसके तमाम चारों साइडों पर लगा देंगे। और इस तरह से तमाम साइडों पर लगाने के बाद अब हम इसकी शेप बना लेंगे समोसे की इस तरह से। और इसमें
स्टफिंग ऐड कर देंगे। और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और बाकी तमाम रोटियों की भी इस तरह से समोसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से समोसे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। और इनको उलट लेंगे और दोनों साइडों से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन हमारे बहुत ही आसान, मज़ेदार और क्रंची समोसे तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बने।